छोटी सी जिंदगी लंबा सा रास्ता, कोई मेरी जगह एग्जाम दे आए खुदा का वास्ता। कविता तो अच्छी है, पर ये कविता तुम किसके लिए कह रही हो? जैसा कि हम जानते हैं कि एग्जाम के दिनों में बच्चों पर बहुत तनाव होता है, और यह कविता उन्हीं बच्चों के लिए है। अच्छा, अब समझ आ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो, और इसी के साथ हमारे श्रोताओं को भी समझ आ गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एग्जाम स्ट्रेस के विषय पर। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में, और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है, और मैं हूँ तनवीर और मेरे साथ है निजा। मेरा भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। निजा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि परीक्षा क्या होती है? मेरी समझ के अनुसार परीक्षा एक माध्यम है अपने आप को बेहतर बनाने का। जो भी हमने एक वर्ष में सीखा या जाना, परीक्षा एक अवसर है आगे बढ़ने का। बिल्कुल सही कहा तुमने, परीक्षा से ही तो पता चलता है कि हमारे ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई है। पर इसी के साथ कुछ हमारे दोस्त जो हमारे परीक्षा को तनाव में ले लेते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है कि परीक्षा के दिनों में बच्चे पार्क में नहीं खेलते हैं, जिसके कारण बच्चों में तनाव बढ़ता जाता है। दोस्तों, ये इसलिए होता है क्योंकि कई बच्चे एग्जाम के स्ट्रेस को बढ़ा लेते हैं ताकि वे परीक्षा में अधिक नंबर ला सके, और इसी कारण भय व डर की स्थिति बनी होती है जिसे एग्जाम फोबिया कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ है हमारे कुछ बाल साथी, तो आइए उनसे बात करते हैं कि वे परीक्षा के समय कैसा महसूस करते हैं और कैसे अपनी परीक्षा की तैयारियां करते हैं। मेरा नाम सीमा है और मैं ओखला मंडी से हूँ। मैं पढ़ाई के टाइम पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, बल्कि आमतौर पर थोड़ा डर रहता है कि मार्क्स कैसे आएंगे और अगर हम फेल हो जाएंगे तो हमारे फैमिली मेम्बर्स क्या बोलेंगे। मेरा नाम इल्मा है। मैं एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेती, क्योंकि हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है अगर हम उसे अपने ध्यान में रख के चलें तो हम आसानी से पास हो सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को वो होता है ना कि हाँ मुझे फर्स्ट आना है क्लास में, तो वही स्ट्रेस लेके वो जो ना दिन रात पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, उन्हें खेल का खाने का किसी की भी परवाह नहीं होती। अगर हम लोग पढ़ाई का इतना स्ट्रेस लेंगे और एग्ज़ाम आने आ रहे हैं इसका इतना स्ट्रेस लेंगे तो अपनी सेहत को भूल जाएंगे हम बिल्कुल, और हम जो ना इसी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं, और जिस चीज़ के लिए आप एग्ज़ाम के लिए इतनी मेहनत करो वो आप एग्ज़ाम ना दे पाएँ। तो इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें एग्ज़ाम के लिए, और अपना खूब मौज मस्ती करें, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल मौज मस्ती करें, पढ़ाई भी करें। कैसी ये हलचल, कैसा भूचाल है, सांसें फूली है और ये दिल बेहाल है, धड़कन रुक जाए ना, ये डर लगता है मुझे, फंसा ही जाता हूँ, ये ऐसा जाल है, आँखों पे पट्टी बांध के मेरे सर पे निशाना लोगे क्या, सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नज़र से, और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है, और आज हम बात कर रहे हैं एग्जाम स्ट्रेस के बारे में। दोस्तों, हमने यह तो जान लिया कि एग्जाम के दिनों में बच्चे तनाव में रहते हैं, पर क्या तनवीर भैया आप जानते हो कि इस तनाव के क्या कारण है? हाँ, बच्चों में अच्छी अंक लाने की होड़ होती है, घर वालों का दबाव होता है, और अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए बच्चे तनाव में आ जाते हैं। आइए और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं चंदन चमक भैया से, जो कि बटरफ्लाइज में काम करते हैं। इन्होंने एजुकेशन पर रिसर्च की है और कई बच्चों को ट्रेनिंग भी दी है। चंदन भैया, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे मौका देने के लिए। भैया, जैसे कि अभी कुछ बच्चों के एग्जाम्स हुए हैं और जो मेन एग्जाम है वो आने वाले हैं, तो मतलब बच्चों में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है एग्जाम्स को लेकर,
तो हमारे जो आज का विषय है वो इसी पर है, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये एग्जाम स्ट्रेस है ये क्यों होता है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम स्ट्रेस है जनरली फेब के मार्च के दौरान, ये क्योंकि एग्जाम्स होते हैं उस समय स्ट्रेस की बात होती है। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो एग्जाम स्ट्रेस है वो एक नेचुरल फीलिंग है, स्वाभाविक फीलिंग है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव फीलिंग है, वो एक सब सारे बच्चों को होता है और हम सब भी उससे गुजर चुके हैं। हमें ये करना है कि हमें उससे कैसे डील करना है वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा, जो हल्की स्ट्रेस है ना वो जरूरी होनी चाहिए, जरूरी होती है। हल्की स्ट्रेस से ही हम पढ़ने का मोटिवेशन मिलता है, हम थोड़ा सा सोचते भी हैं कि वो हमें ये करना है। बट वही स्ट्रेस अगर ज्यादा हो जाती है तो वो खतरनाक हो जाता है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी होती है। तीसरा बात है, जैसे ही परीक्षा आता है तो हम तनाव के बारे में, एग्जाम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें कोई राय दो राय नहीं है कि परीक्षा में तनाव आता है, वो एक नेचुरल फीलिंग है जैसे मैंने आपको बताया है। और भैया, जो कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब समझते हैं कि हमारा जो एग्जाम है हमसे बहुत बुरा होगा, उन्हें कैसे मोटिवेट करें, कैसे मतलब उन्हें बताएं कि तुम अच्छा कर सकते हो? उसमें है देखो दो चीज है, एग्जाम जो है 3 घंटे का है, 1 क्लास का है, ये पूरी लाइफ की बात नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमारा जो एग्जाम है वही, अगर एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो वो चीज हमें नहीं सोचना है, ठीक है। एग्जाम बस 1 क्लास का, अगर हम नहीं कर पाते तो हम दूसरी बात करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एक छोटा सा बच्चा है वो समुद्र के किनारे वो होता है ना रेत बनाता है, बालू का रेत बनाता है सैंड का, ठीक है, और पानी आता है उसको बहा के ले जाता है, वो टूट जाता है, बच्चा फिर से बनाता है, फिर पानी आके उसको लेके बहा के चला जाता है, फिर वो तीसरी बार भी बनाता है, फिर उसको बहा के ले जाता है, वो तीनों बार प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, निराश नहीं होता है। तो इसी तरह से हमें अगर कोई, अगर हम सोच रहे हैं कि हम फेल हो जाएंगे तो हमें ट्राई करना चाहिए, वो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, हम हमारे कुछ नहीं होगा, हमारी जिंदगी खत्म नहीं होगी, हम बस एक एग्जाम में फेल हो सकते हैं, हम दूसरी बार कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें हम बच्चों को बता सकते हैं। भैया, जो मतलब ये हमारा क्वेश्चन पेपर आता है उसमें क्वेश्चन ऐसे घुमाकर आते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, ऐसा क्यों करते हैं मतलब वो? इस पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर हमें एग्जाम की अच्छी तैयारी होगी तो वो हमारे स्ट्रेस में मदद कर, स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगा। सबसे पहला है देखो, एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं, वो आपको समझाने के लिए नहीं है, जो कि जबकि स्कूल में और क्लास में क्या होता है, वो क्वेश्चन जो आपके बुक्स में होते हैं वो आपको समझाने के लिए होते हैं। इसलिए वहां पे कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं क्वेश्चन में जो आपको नहीं पता होता है, उस समय बच्चे घबरा जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। उस समय आपको क्या करना है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को ब्रेक करना है, उसको एक एक वर्ड को देखना है, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि उस क्वेश्चन में क्या करना है। दूसरा, हम बच्चे जो होते हैं एग्जाम में इम्प्रेस करने के लिए लिखते हैं, टीचर्स को इम्प्रेस करना चाहते हैं, हम जितना सारा बात होता है हम सब कुछ लिख देते हैं, बट वो सही नहीं है। हमें एक्सप्रेस करने के लिए लिखना है, हमें अपनी बात व्यक्त करनी है, उनको खुश नहीं करना है, ठीक है। तो ये दूसरी पॉइंट है, वो हमें ध्यान रखनी है जब आप आंसर लिख रहे हो, ठीक है। तीसरा है मार्क्स, कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 5 के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको लिखना है, उसके हिसाब से आपको उतना लिखना है। आप 3 मार्क्स में अगर 10 मार्क्स का लिखेंगे क्योंकि उसमें आपको ज्यादा आता है तो वो एक अच्छा प्लानिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। और भैया, जो ये एग्जाम स्ट्रेस है ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा? एग्जाम स्ट्रेस बुरा अच्छी की बात नहीं है, ये एक नेचुरल फीलिंग है, ये सबके साथ होता है। बड़े लोग भी अगर एग्जाम देते हैं तो उनके साथ भी होता है, तो वो अगर हल्की स्ट्रेस है भी तो उसकी वजह से आप पढ़ोगे, आप बिल्कुल ही उसको छोड़ोगे नहीं, लेकिन अगर ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा तो फिर मुश्किल है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। उस केस में आप किसी एक प्रोफेशनल काउंसलर से मिल सकते हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि मुझे दिक्कत हो रही है। ये एक नेचुरल फीलिंग है, इसमें कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव नहीं है, नेचुरल फीलिंग है, उसे हमें डील करना है। और भैया, ये एग्जाम स्ट्रेस को कैसे दूर करें? एग्जाम स्ट्रेस को दूर करने के लिए जैसे पहला जो था कि सुबह में आपको नाश्ता जरूर करना है, वो स्किप नहीं करना है, ठीक है। जो भी टाइम पे आप खाना खाते हो वो आपको करना है, उसको नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपको अच्छी नींद आनी चाहिए और सोना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरी रात जाके पढ़ रहे हैं, वो एक सही चीज नहीं है। आपको 6 घंटे 5 घंटे सोना चाहिए, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा है आपको एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बच्चे हैं तो आप गेम्स खेल सकते हैं या स्पोर्ट्स कर सकते हैं या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में आपको 1-2 घंटे खेलना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन जब आपका हो, जैसे मॉर्निंग में अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सुबह में पढ़िए, या अगर आपको लगता है कि रात में मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ तो रात में पढ़िए। तो चौथा ये हो गया। फिर जैसे मैंने बोला था डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आती है, वहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ पढ़िए, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद पुराने, कभी कभी मम्मी पापा होते हैं कि अरे तुम्हारा नाइन्थ में पेपर अच्छा नहीं हुआ था, ये तो उसके बारे में नहीं सोचना है, हमें आगे के बारे में सोचना है, हमें प्रेजेंट एग्जाम के बारे में सोचना है कि इसको हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो पुराने मार्क्स के बारे में बार बार नहीं सोचना है, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, की एग्जाम में 3 घंटा है तो किस पोर्शन पे हमें कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें आपको प्लानिंग थोड़ी पहले करनी होगी। उसके बाद है जो पढ़ने का जगह है आपका, वो ऐसा जगह चुने जहाँ पे ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो मैंने बताया, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ पोर्शन होते हैं अच्छे होते हैं, कवर कर लिया होता है, तो आप उनको रिवाइज करते रहिए सो देट आपका उस पर पकड़ हो जाए। उसके बाद जो वीकर सब्जेक्ट्स हैं उस पर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। लास्ट में है रिविजन, मैंने बोला था रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको वापस सोचना पड़ता है कि हमने क्या पढ़ा था, तो रिविजन वहाँ पे इम्पोर्टेंट करेगा। तो ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। और भैया जैसे कि आप मेन एग्जाम आने वाले हैं और 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम है, तो आप उन्हें मतलब क्या सुझाव देना चाहते हैं, आपके क्या विचार है उनके लिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा उनको स्टडी स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहूंगा कि जब पढ़े तो क्या कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं होती है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं। एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग का क्या मतलब है, जब आप पढ़ रहे होते हो तो खाली बुक अपने सामने रख के मत पढ़ो, उस समय आप एक पेन या पेंसिल रखो, उस समय आप जो आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट लाइन है तो उसको आप अंडरलाइन कर लो पेंसिल से बुक के अंदर। अगर आपको वो नहीं करना चाहते हैं तो आप एक नोटबुक रखो और वहां पे नोट्स बना लो कि ये इम्पोर्टेंट लाइन, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा फोकस उस समय उस चीज पे होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे होता है कि ऐसे नहीं करते, वो सामने बुक रख के पढ़ते रहते हैं, तो वो एक अच्छी वो रीडिंग है बट एक्टिव रीडिंग नहीं। जब आप पेंसिल या पेन का यूज करते हैं, लिखते हैं, तो आपका पूरा का पूरा बॉडी और माइंड उस लेसन पे लगा होता है, ठीक है, ये पहला है। दूसरा है आप छोटे मोटे कार्ड्स बना सकते हैं, जैसे फ्लैश कार्ड्स होते हैं ना मार्केट्स में मिलते हैं, छोटा कार्ड होता है, तो उस पे क्या होता है कि आप 5-6 कार्ड बना सकते हो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, और उसको आप जब भी मौका मिले तो आप चलते फिरते भी उसको पढ़ सकते हो। तो उससे क्या होगा कि हमेशा आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं है, हमेशा आपको नोटबुक देखने की जरूरत नहीं है, कार्ड से आप इजिली याद कर सकते हैं। तो ये दो अगर प्लानिंग आप करेंगे, एक है एक्टिव रीडिंग और दूसरा अगर कार्ड्स का यूज करेंगे, तो आई थिंक एग्जाम देने में कोई स्ट्रेस नहीं होगा, अच्छे से आप कर सकते हैं। एक चीज और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, जब एग्जाम देने के बाद क्या होता है कि हम एग्जाम के बारे में सोचते रहते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा, ये सारे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमने तो कर दिया एग्जाम बट पता नहीं मार्क्स कैसे आएंगे, फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो उसमें एक हम बोलते हैं कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, मतलब आप अपना अच्छा कर दो, बेस्ट दे के आओ, उसके बाद छोड़ दो, उसके बारे में चिंता मत करो, ठीक है। तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा होता है कि आप अपना बेस्ट दे के आओ, उसके बाद छोड़ दो, जो भी होगा देखा जाएगा। चंदन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी और अपना समय हमें दिया। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। ना 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 chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. तो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं पत्र के माध्यम से। हमारा पता है U4 ग्रीन पार्क एक्सटेंशन नई दिल्ली 110016। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं अगले बृहस्पतिवार शाम 3:45 पर AIR FM रेनबो 102.4
6 पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा और मेरे भाई तनवीर का नमस्कार। फुटबॉल खुद के रखवाले, जीवन है फुटबॉल।